हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स सी सम पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ड्रग जिनका एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ही सीवियर होता है. ओके, तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको दिख रहा है इस इमेज के ऊपर. तो आइडेंटिफाई द एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट. ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है डिसकलरेशन ऑफ टीथ आपको दिख रहा है, येल्लो कलर और येल्लो डिसकलरेशन ऑफ टीथ आपको इमेज में क्लियर विजिबल हो रहा है. तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज डन बाय द टेट्रासाइक्लिन व्हेन पर्टिकुलर मदर कंज्यूमिंग अ टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट लीड्स टू द डिसकलरेशन ऑफ द टीथ इन देयर चाइल्ड. तो ये टेट्रासाइक्लिन गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टेट्रासाइक्लिन गिवन इन स्मॉल चिल्ड्रन दैट लीड्स टू द डिसकलरेशन ऑफ द टीथ. दिस इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन और यू कैन से साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग इफेक्ट. ओके, आइडेंटिफाई द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगेन. ये देखिए यहाँ पे इसके जो गम्स हैं इसमें से इसको ब्लीडिंग हो रहा है. तो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स दैट लीड्स टू द ब्लीडिंग. ओके, और ओजिंग ऑफ अ फ्लूइड. तो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर फिनेटोइन, फिनोबार्बिटोन, साइक्लोस्पोरिन एंड निफिडिपिन. तो साइक्लोस्पोरिन, निफिडिपिन जो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है और ये जो हमारे पर्टिकुलर फिनेटोइन और फिनोबार्बिटोन, ये जो हमारे एंटी कन्वर्जिव ड्रग है ना, ये अगर पर्टिकुलर पर्सन अगर कंज्यूम करता है तो डेफिनेटली हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स होता है और वहाँ पर ब्लीडिंग, दैट लेटर मे बी द ब्लीडिंग. तो ब्लीडिंग इन गम्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी कन्वर्जन ड्रग्स और जो हमारे साइक्लोस्पोरिन और निफिडिपिन जो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है. ये देखिए विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ गायनेकोमास्टिया है ये. पर्टिकुलर जो फीमेल के फीचर अगर मेल में आते हैं दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोमास्टिया. तो ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज स्पायरोनोलैक्टोन. ये हमारा क्या है, ये अ काइंड ऑफ डायूरेटिक ड्रग है. ओके, किटेकोनेजोल, सिमेटिडाइन, देन फिनास्टीरिड एंड ये देखिए ड्यूटास्टेरिड. ओके, तो ये फिनास्टेरिड, ड्यूटास्टेरिड, स्पायरोनोलैक्टोन, किटोकिनोजोल, तो दीज आर द ड्रग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गायनेकोमास्टिया मेनली. तो गायनेको ये जो ड्रग होता है ये पर्टिकुलर मेल अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हो डेफिनेटली फीमेल के फीचर उनमें स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप होना, दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोमास्टिया. ओके, तो इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एज लाइक एज फीमेल दैट इज नथिंग बट अवर गायनेकोमास्टिया. तो स्पायरोनोलैक्टोन, किटोकिनोजोल, सिमेटिडाइन, फिनास्टेरिड एंड ड्यूटास्टेरिड दीज आर द ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट. आइडेंटिफाइड, ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही लोगों को पता होता है कि एलोपेशिया जो फ्यूचर में जो कॉज होता है ना, वो कैंसर थेरेपी जो लेते हैं ना उनको एलोपेशिया, जैसे आपको दिख रहा है ये एलोपेशिया, सीधा ये जो जो टेम्पोरल या फिर ऑसिपिटल जो पार्ट है ना हमारा, पैरेटल जो बोन होता है मेनली, वो पूरा वहाँ से जो हेयर होते हैं वो लॉस हो चुका रहता है. तो एलोपेशिया दैट ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज कैंसर कीमोथेरेपी अगर बहुत ही कंज्यूम किया है तो लेटर पीरियड में डेफिनेटली होगा ये. देन ये देखिए एमिट्रिप्टिलिन, देन क्लोफिब्रेट एंड नेप्रोक्सेन. ओके, तो दीज आर द ड्रग रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलोपेसिया. तो मेनली जो इसमें आता है पता है आपको, ये कैंसर कीमोथेरेपी आता है. तो कैंसर कीमोथेरेपी लेटर इन लाइफ दैट लीड्स टू द एलोपेसिया. ये इसका क्या है, ड्रग इफेक्ट है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट है, ये लेटर पीरियड में आपको देखने को मिल सकता है. अगेन एंकल एडिमा, यू कैन सी इमेज में आपको दिख रहा है एंकल एडिमा. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है. देन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं, स्टेरॉइड्स, तो नॉन एनसेड जो होते हैं ये बहुत ही यूज बहुत मतलब कॉमनली जितने भी ड्रग होते हैं एवरी ड्रग हैज एनसेड्स. ओके, एनसेड्स. ओके, एनसेड्स मीन्स अ काइंड ऑफ यू कैन से कि एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और जो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग होते हैं ना, ये तीनों कंबाइन वाले जो ड्रग होते हैं उनको हम एनसेड ड्रग बोलते हैं. तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होते हैं, स्टेरॉइड जो ड्रग हैं, हाइड्रलेजिन. ओके, एंड ये देखिए ट्रेडाजोन. तो अल्टीमेटली ये सब जो ड्रग है ना दैट लीड्स टू द एंकल एडिमा. तो हाइड्रलेजिन ये हमारे H1 ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. नॉर्मली हम जो काइंड ऑफ हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह जो पेशेंट होते हैं उनको हम ये सजेस्ट करते हैं. और एनसेड्स तो नॉर्मली बहुत ही लोग यूज़ करते हैं. तो एक्सेस कंजप्शन ऑफ दिस एनसेड्स ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक सॉरी एनसेड्स ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्टेरॉइड्स, दैट लीड्स टू द काइंड ऑफ एंकल एडिमा. ओके, देन नेक्स्ट वन इज लाइपोडिस्ट्रॉफी. लाइपो मतलब होता है एब्डोमेन. ओके, लाइपोडिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी यू कैन सी अ काइंड ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में. ओके, तो ड्यू टू टेकिंग इंसुलिन इंजेक्शन एट अ फिक्स साइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इज द लाइपोडिस्ट्रॉफी. तो दैट्स वाई अ काइंड ऑफ ऐसा मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे दिया, देन अगेन हियर, देन अगेन हियर, तो ऐसे पूरे सर्कल में देते हैं एट अ सेम टाइम, एट अ सेम साइट अगेन एंड अगेन इंसुलिन का इंजेक्शन जो रहता है यूनिट फॉर्म में जो देते हैं इंसुलिन इंजेक्शन से, इंसुलिन सिरिंज से, वो नहीं देना रहता है. तो अदरवाइज क्या होता है कि लाइपोडिस्ट्रॉफी हो सकता है ड्यू टू टेकिंग इंसुलिन इंजेक्शन एट अ फिक्स साइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ओके, देन नेक्स्ट वन इज देखिए हमारा ये क्या है, फोकेमेलिया.
ओके फोकेमेलिया थैलिडोमाइड है ये, आइडेंटिफाई द एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लिम्स होते हैं ना, फोर लिम और जो हमारे पर्टिकुलर जो हमारे हैंड्स और जो लेग्स रहते हैं, ये फॉर्म नहीं होते हैं ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोकेमेलिया बोलते हैं। तो सील लिम इन्हें हम बोलते हैं। और ये जो ड्रग अगर प्रेगनेंसी के टाइम अगर मदर कंज्यूम करती है थैलिडोमाइड, तो डेफिनेटली एक कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन है और इट एक्ट एज अ टेरेटोजेनिक एजेंट एंड दैट लीड्स टू द कंजेनाइटल प्रॉब्लम। अल्टीमेटली उससे होता है क्या कि जो पूरे लिम्स होते हैं ना वो डेवलप नहीं होते हैं, काइंड ऑफ जो इसके बोलते हैं ना कि 1 lakh इन वन या फिर 1 in 1 lakh जो चिल्ड्रंस होते हैं, ऐसे रेयरली ऐसे होते हैं, अदरवाइज इतना पॉपुलर नहीं है। फोकोमेलिया सील लिम्स थैलिडोमाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई कंज्यूम करता है, डेफिनेटली ऐसा साइड इफेक्ट ये इसका क्या है, ये यहाँ पे विजिबल रिजल्ट होता है ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग अ सम इम्पॉर्टेंट ड्रग विच काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच शुड नो एटलीस्ट ओके।